सेवा भारत की संस्थापिका आदरणीय पीला बहन भट्ट जी, सेवा भारत की अध्यक्ष श्रीमती रेनाना झाबाला जी, सेवा भारत की उपाध्यक्ष श्रीमती विद्या सिन्हा जी, सेवा भारत की महामंत्री श्रीमती मनोरमा जोशी जी, सेवा बिहार की अध्यक्ष श्रीमती मुन्नी बहन, सेवा बिहार की महामंत्री श्रीमती माधुरी बहन, सेवा मुंगेर की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा बहन, सेवा श्रमिक महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार और बिहार के बाहर के भी यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में मौजूद विशिष्ट अतिथिगण, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इस अवसर पर इला बैंक का अपनी तरफ से, बिहार के लोगों की तरफ से और बिहार की सरकार की तरफ से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली श्रमजीवी महिलाओं का एक बड़ा संगठन इस देश में उन्होंने बनाया। महिलाओं के बीच बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन इस प्रकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिक महिलाओं को संगठित करना, उनका यूनियन बनाना, उनका स्वयं सहायता समूह गठित करवाना, उनका सहकारी संगठन बनाना और इन सब चीजों के साथ साथ उनमें जागृति पैदा करना, अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना, उनमें चेतना लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने पूरे देश में 12.5 लाख ऐसी महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। संगठन से जोड़ा वो तो एक बात है, लेकिन इन बातों का फैलाव होता है, दूसरे लोग भी इसकी चर्चा करते हैं और हर स्तर पर अनेक लोग इसमें जुड़ते हैं। मैं श्रीमती रेनाना झाबाला का भी स्वागत करता हूं और जितने भी इस संस्था और संगठन से जुड़े हुए नेतृत्व की भूमिका में हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। आप सब ने मिलकर एक बहुत बड़े काम का बीड़ा उठाया। बिहार में भी 3-4 जिलों में आपका काम है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आपका काम बढ़े। और आपका काम जिस प्रकार से गुजरात में और मध्य प्रदेश में है,
मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने काम का स्तर बिहार में गुजरात और मध्य प्रदेश के समान ले जाएं। हमारे यहां इसकी जरूरत है। ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में ही कार्य करती हैं महिलाएं, और आपने ठीक कहा कि इसकी गिनती नहीं होती है, उसका कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं रखा जाता है। आखिर जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं, चाहे अपने घर में काम करे, अपने खेत में काम करे, दूसरों के घर में काम करे, दूसरों के खेत में काम करे, या जहां भी काम करे, उनका कितना बड़ा योगदान है किसी भी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में, यानी राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका कितना बड़ा योगदान है, इसकी कभी कोई गिनती नहीं की जाती। तो यह एक प्रश्न जरूर है, और ऐसे तबके को जगाना, संगठित करना बहुत जरूरी है। बिहार में भी अब महिलाओं में जागृति आई है। हमने एक झटके में बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया पंचायती राज संस्थाओं में, और उसके बाद नगर निकायों में, और उसका परिणाम हुआ है अब सार्वजनिक विषयों पर महिलाएं चर्चा कर रही हैं, और महिलाओं में नेतृत्व भर रहा है। लाखों की संख्या में जनप्रतिनिधि के तौर पर महिलाएं चुनी गई। हम लोगों ने आरक्षण की व्यवस्था तो 50% की, लेकिन इलाजी जीत कराई है हमारे बिहार में कुल मिलाकर 50% से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा जीत कराई, यानी ये पूरे तौर पर लागू हो गया। जगह खाली नहीं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ तो जगह खाली रही, उनकी संख्या तो 50% से ज्यादा है। इतनी जागृति आई है, लड़कियों में जागृति आई है, बेहद जागृति आई है। लड़कियां स्कूल नहीं भेजी जाती थी, अब मां बाप लड़कियों को स्कूल भेजने लगे। अपर प्राइमरी जिसको कहते हैं हम लोग के यहां, वो लोकप्रिय तौर पर मिडिल स्कूल कहा जाता है, मध्य विद्यालय, यानी छठी कक्षा में। अब छठी कक्षा में हमारे यहां जो लड़की जाती है स्कूल, वो कोई भी लड़की, किसी भी परिवार के सदस्य, सभी लड़कियों को यूनिवर्सल है, सबके लिए उपलब्ध है, कोई इसमें हटाया नहीं जाता, सर्वसमावेशी, ऑल इंक्लूसिव। 700 रुपया हम हर साल देते हैं ताकि वो दो जोड़ी पोशाक, एक जोड़ी जूती और एक बैग खरीद ले, जिसमें किताब और कॉपी रखकर। अब लड़कों के लगभग बराबर हो गई मध्य विद्यालय में लड़कियां, और अब हाई स्कूल जा रही हैं, साइकिल चलाकर जा रही हैं। साइकिल खरीदने के लिए हमने लड़कियों को पैसा दिया, आपने जिक्र किया, उसको देखा भी आपने। ये पटना शहर है, यहां लड़कियां साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती। आज गांव गांव से लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जा रही है। पूरे हमारे ग्रामीण अंचल का परिदृश्य बदल गया है, माहौल बदल गया। लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जा रही हैं। स्कूल जाने के वक्त और स्कूल से छूटने के वक्त आप दृश्य देखिए, हर इलाके में दृश्य देखिए, एक समान पोशाक पहनकर लड़कियां जा रही हैं। अब सैकड़ों की संख्या में प्रत्येक इलाके से निकलकर महिलाएं जा रही है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हो गई हैं, उनके साथ और उनकी सहेलियां उनकी सहायता करने के लिए साथ जा रही हैं। जब मर्द कोई जनप्रतिनिधि चलता है तो उनके साथ 4-5 उनके सहयोगी चलते हैं, उसी तरह से महिलाएं जो जनप्रतिनिधि हुई हैं उनके साथ कुछ महिलाएं भी जाती हैं सहयोगी। तो आप देखिए वातावरण बदल गया। तो ये वातावरण बदला है, एक उत्साह का भाव पैदा हुआ, और हम लोगों ने इधर स्वयं सहायता समूहों के गठन पर जोर दिया है। महिला विकास निगम के माध्यम से हो रहा, विश्व बैंक से सहायता लेकर एक लाइवलीहुड प्रोजेक्ट कुछ जिलों में चलाया जा रहा है, फिर ग्रामीण विकास विभाग के
द्वारा भी स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है, यानी एक बड़े पैमाने पर इस काम को हम लोग कर रहे हैं ताकि महिलाएं अपने काम को जाने भी संगठित हो सके, आत्मविश्वास। मैं स्वयं गया था उस स्वयं सहायता समूह का जहां काम अच्छा है, और हम उनकी बैठक में बैठे, हजारों की संख्या में महिलाएं, पूरे जिले की महिलाएं इकट्ठे करते थे, और जो बताया सेल्फ हेल्प ग्रुप गठित होने के बाद लोगों ने, इतनी जागृति आई है कि कोई एक गांव में एक व्यक्ति के जमीन पर कब्जा कर लिया किसी दूसरे ने, और मर्द को हिम्मत नहीं थी कि उससे अपनी जमीन छुड़वाए, स्वयं सहायता समूह गठित हुआ, महिलाएं संगठित हुई और उन्होंने मिलकर अपनी जमीन पर वापस कब्जा लिया, मर्द देखते रह गए, उन्होंने कब्जा लिया, बाल विवाह नहीं हो रहा, लड़कियां संगठित होकर गई और उसको रोक दिया। मैंने देखा कि सिर्फ आर्थिक रूप से वो अपने पैरों पर ही खड़ा नहीं होंगी, बल्कि उनमें एक चेतना आ रही, और ये सबसे बड़ी चीज, वो जग रही है, अपने अधिकार को समझ रही है। तो हम तो चाहते हैं कि और काम बढ़े, और आपका जो अप्रोच है जैसा आपने बताया, यूनियन और कोऑपरेटिव, संघ और उसके साथ साथ सहकारी समिति बनाकर आप जो उनकी सहायता करते हैं उनको संगठित करते हैं, इसके माध्यम से भी और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अगर सारी महिलाएं हमारे यहां संगठित हो जाएं, तो निश्चित रूप से आज जो बिहार के विकास दर की बात हो रही है, सचमुच ये और बढ़ेगा, और हमारा जो लक्ष्य है न्याय के साथ विकास का, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आप अपने काम को बढ़ाइए। आपने दो बात कही है, मैं आपकी बात को मना नहीं कर सकता हूं। जब ज्ञापन की कॉपी मुझको मिल गई तो हमने उस पर कार्रवाई का निर्देश दे दिया, और मुझे आज इस बात का ऐलान करने में कोई हिचक नहीं है। असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिलाओं की स्थिति पर का अध्ययन करने के लिए और उनकी हालत में सुधार लाने के लिए, सुझाव देने के लिए, और बल्कि उसके आगे उनके हालत को सुधारने के लिए कौन सी कार्य योजना बने, इसकी भी सिफारिश करने के लिए हम एक महिला श्रमिक आयोग का गठन करेंगे। लेकिन इस आयोग के लिए जो अध्ययन करेंगे, जो सुझाव देंगे, उसके लिए कुछ आपको लोगों को भी उपलब्ध कराना पड़ेगा, ताकि ये समय सीमा के अंदर वो काम कर सके, यह भी आवश्यक होगा, आप सहयोग दीजिए। दूसरी बात आपने कही है सौर ऊर्जा के संबंध में, हम एक नई योजना बना रहे हैं, उस पर हमारा काम हो रहा, और जब हम योजना को बना लेंगे, जब योजना परिपक्व हो जाएगा तब हम उसका ऐलान करें, तो वो फायदा है। आपने कहा है उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, हम जो अपनी योजना बना रहे हैं हम अपने अधिकारियों को कहेंगे कि वो आपसे भी विमर्श करें, और उसमें अगर इसमें महिलाओं को जिम्मेवारी गांव में हम देना चाहेंगे, ये सबसे अच्छी बात है, शायद आपको मालूम नहीं है, सरकारी जमीन जब हम किसी को आजकल दे रहे हैं तो महिला के नाम से कर दे रहे हैं, ताकि वो इधर उधर नहीं होगा, और फिर पुरुष भी जरा ठीक ठाक रहेंगे, उसका नाम महिला के नाम से होगा। तो हमने ये सब काम किया, तो ये काम अगर महिलाएं करेंगी तो बेहतर ढंग से करेंगी, और इसमें सेवा संगठन शामिल हो, और ये बड़ी खुशी की बात होगी। तो मैं जो योजना बना रहा हूं सौर प्रकाश के संबंध में, उसके बारे में इसको अंतिम रूप देने के पहले सेवा की क्या भूमिका हो सकती है और कैसे हम इसको जवाबदेही दे सकते हैं, इसके बारे में आधिकारिक रूप से आपके साथ विमर्श करेंगे या आपके प्रतिनिधि के साथ विमर्श करेंगे। और हम चाहते हैं आप तो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, और मेरी दिलचस्पी, हमारा लक्ष्य है बिहार को आगे ले जाना, और बिहार को आगे ले जाना बगैर महिलाओं के उत्थान के संभव नहीं है, और आप महिलाओं के उत्थान में लगे, इसलिए आपका हमें भरपूर सहयोग प्राप्त हो, हम चाहेंगे और हम तो पूरा सहयोग आपको देंगे। कभी कभी सरकार का काम भी कुछ गड़बड़ हो तो आप बताइए, मुझको कोई एतराज नहीं,
हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें सुधारने में मौका मिलता है, सुधारने का अवसर मिलता है। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है, आप आइए और बार बार आइए, लेकिन अपने काम को इतना बढ़ाइए कि जब किसी और राज्य में आप कहें तो जब बोले कि गुजरात में 6 लाख सदस्य हैं, मध्य प्रदेश में 5 लाख सदस्य हैं, तो इसी प्रकार से लाख में बिहार की सदस्य संख्या का आप उल्लेख करें, हजार में नहीं करें, यही हमारी प्रार्थना है। और आप सबको फिर से एक बार पुनः महिला दिवस के अवसर पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और सबके मन में संकल्प हो, बिहार के लोगों के मन में अब संकल्प लिया है बिहार के लोगों ने कि बिहार को आगे बढ़ाएंगे। महिलाएं हमारे यहाँ जाग रही हैं, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हैं, और वह भी अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभा रही है। और महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए हमने एक विशेष योजना शुरू की है, अक्षर आंचल योजना। 40 लाख महिलाओं को हम साक्षर बना रहे हैं, 6 महीने में बनाने का लक्ष्य था, लेकिन हमने कुछ समय